पंजाब टैलीविजन ते तुहाडा स्वागत है। अज असी गलबात करन जा रहे हां, जिहड़ा गलबात दा इक प्रोग्राम आपां शुरू कीता है। साडे अज दे मेहमान ने सरदार रमेश इंदर सिंह जी। रमेश इंदर सिंह जी पंजाब दे चीफ सैकटरी रहे, पंजाब दे चीफ मिनिस्टर दे प्रिंसीपल सैकटरी टू चीफ मिनिस्टर रहे लंबा समा, उहदे तो बाद चीफ इनफॉर्मेशन कमिश्नर रहे और बड़ा लंबा समा इन्हां ने लगभग मैं तो 5 दहाके कह सकदा हुण तां, मतलब जिहड़ा प्रशासनिक ते जनतक फील्ड दे विच लगातार वाचिया है पंजाब नूं बहुत नेड़ेओं। और खास तौर पर कुछ गल्लां वो भी जिन्हां नाल लोग ये कहते रहे कि कुछ कंट्रोवर्सियां जिवें 84 ਤੋਂ 87 तक डिप्टी कमिश्नर अमृतसर रहे लगातार, उहदे नाल संबंधित भी कुछ गल्लां बातां उस रूप दे विच हो रही ने। तो उस तो बाद इन्हां ने एक सारे माहौल ते किताब भी लिखी है, टर्माइल ऑफ पंजाब बिफोर एंड आफ्टर ब्लू स्टार इनसाइड स्टोरी करके, तो वो बहुत चीज़ों का खुलासा भी किया है। पर कई चीज़ा अपन पता है कि पढ़न पढ़ाउण का रिवाज थोड़ा जहा उन्ना नहीं रहा जिन्ना चाहिए उस रूप के, गल्लां बातां राहीं शायद कुछ चीज़ा कोशिश करांगे जानन दी, सारे पहलू उन्हां दे प्रशासनिक तजर्बे का, उस समय तो चल रही अज तक दी पॉलीटिक्स दे मिजाज का, बदल रहे रुझाना का, तो इस तरीके नाल उन्हां दे वख-वख पोस्टां ते हुंदे होए वख-वख वड्डे आगूआं नाल पैंदे वाह आ किस टाइप का वाह पिया, किस टाइप का सारा सिस्टम चलिया। सब तो पहला सरदार रमेश इंदर सिंह जी, मैं उत्थों ही शुरू करूँगा जिहड़ा बहुत ज़्यादा ना नॉर्मली एक गल बार बार कोट कीती जाती है, हालांकि तुसीं कई जगह कही भी है गल ते किताब दे विच भी लिखी है, जिहड़ा दरबार साहब ते हमले दा एक माहौल सीगा उस समय, तुहानूं स्पैशल लिआंदा गया बंगाल तो, केडर चेंज कीता गया, तो वो सारा बरतांत की है असल दे विच, उहनूं किवें तुसीं ओह करोगे? देखो जी इस तरह है कि मैं तां पंजाब च सन 1978 का सर्व कर रहा, ये ठीक है कि मेरा ओरिजिनल काडर बंगाल अलॉट होया सीगा, बट जुलाई 1978 च मैं पंजाब आ गया सी और उस टाइम मेरी पहली पोस्टिंग जिहड़ी सीगी वो एज ADC फरीदकोट सी। सा सिमरनजीत सिंह मान मेरे गवांढी भी सी, SSP फरीदकोट सीगे, यानी इकट्ठे असीं सर्व कीता फरीदकोट के जिले 2 साल। उदों बाद मैं वख-वख पोस्टां ते पंजाब च रहा, ADC संगरूर, जॉइंट सैकटरी एजुकेशन, डायरैक्टर रूरल डिवेलपमेंट एंड पंचायत। फिर मेरी बाद दे विच जिहड़ी है पोस्टिंग वो जिस तरह तुसीं दस रहे हो वो अमृतसर हुई है। अज भी तुसीं इंडियन एक्सप्रैस तुहाडा एक आर्टिकल है उस लिखा है बादल साहब नाल तुहाडा वाह ADC फरीदकोट होंदे पहली बार। हाँ जी पहली बार उत्थे होया ते वो बड़ा सारिआं नूं दुख है कि देहांत होया उन्हां दा, अज शायद क्रीमेशन हैगी उन्हां दे पिंड जिहड़ा है, तो वो उन्हां दा ये हुंदा सी जी कि हर सैटरडे मॉर्निंग नूं उन्हां ने 8-9 ਵਜੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸੰਡੇ ਸਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਸੈਟਰਡੇ ਲਾ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ 10-10 12-12 ਪਿੰਡ ਕੰਮ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ਸੇਮ ਬੜੀ ਸੀਗੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਬਸੋਇਲ ਵਾਟਰ ਬ੍ਰੈਕਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, तो ਡਰੇਨਾਂ ਪਟਣਾ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ, तो ਉਹ ਬੜਾ ਫੋਕਸ ਸੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਐਸ ਗਰੋਥ ਸੈਂਟਰਸ, ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਐਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਸੋ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 84 ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਕੁਝ ਵੈਸਟਡ ਇੰਟਰਸਟ ਤੋਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। सरदार गुरदेव सिंह ब्राड़ जो उत्थे डिप्टी कमिश्नर सन, उन्होंने अप्रैल के महीने के विच अप्रैल 84 च छुट्टी के लिए अप्लाई कर दिता सीगा ते वो अजे फॉर्चुनेटली हो तो बुजुर्ग बहुत गए बट ही स्टिल हैल्दी एंड अराउंड। हाँ जी, तो मैनू जिहड़ा कोई पुछदा मैं कहना भी उन्होंने जाके पुछ लो तुसीं भाई जे तुहानूं मेरी गल ते यकीन नहीं है। हुण तां कई ऐसे किताबां भी आ गईयां नेगियां, KD वासुदेवा साहब जो उस टाइम के चीफ सैकटरी सी वो भी इतने 10 सैकटर जी नाल रहंदे ने गे, उन्होंने कई इंटरव्यू देतियां कि भी गुरदेव बराड़ कोई प्रोटेस्ट छुट्टी नहीं सी गया, उन्हें तो पहले ही जिहड़ी सी अप्रैल के महीने तो अप्लाई की हुई सी अमरीका जाण दे लई। हाँ जी, उन्हां दा बेटा उत्थे है, विंटर ओलंपिक्स होणियां सी और बराड़ साहब इंटरनेशनल अंपायर ने गे हॉकी दे, शायद लोकां नूं ज़्यादा पता ना होवे, उन्हां दा इंटरस्ट सीगा वो छुट्टी लै रहे सीगे अप्रैल दे विच। मैनू भेजा गया उत्थे, ओरिजिनली आई वॉज साउंडेड कि आई विल टेक ओवर ऑन 5th of June क्योंकि बराड़ साहब की छुट्टी दे फ्लाइट जी बुक की 8 जून की की हुई सी दिल्ली तो उदों बाद जो वापरिया सब की नॉलेज है। दिल्ली कैबिनेट ने डिसीजन ले लिया। वह हम डिस्कलोजर आई है कि अपने प्रणाब मुखर्जी की जोड़े बाद प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया भी बने, उन्होंने किताब च अपने लिखा है कि भी मैं अपोज किया भी फौज ना भेजो, है जी। लेकिन मिसिस गांधी ने उदों ये फैसला ले लिया तो 29 मई नूं पहली जी टुकड़ी सी वो पहुँच गई है। हुण ये भी जिहड़ा हैगा सानों पहला डिस्कलोज होया, SS धनोआ सीगे पंजाब दे बुक सकत्तर, उन्होंने जब अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी कन्फर्म इहनूं वासुदेवा साहब ने किया कई इंटरव्यू च कि 2 जून नूं उदों दे गवर्नर BD पांडे साहब ने उन्हां दी भी ऑटोबायोग्राफी आ गई है। हुण उन्होंने भी ये डिस्कलोज किया भी मैनूं दिल्ली बुलाया गया सी इंदिरा गांधी वल्लों तो मैनूं कहा गया भी फौज सम्मन करो। तो वापस आके उन्होंने वासुदेवा मुख सकत्तर तो SS पुनी होंगे से उस टाइम के गृह सकत्तर, इन्हों बुला के उत्थे कहा भी इत्थे चिट्ठी डिक्टेट करो, दस्खत करो। तो जनरल सुंदर जी जो वैस्टर्न कमांड के चीफ से उन्होंने भी उत्थे बुलाया गया, नाल दी नाल दस्ती जिहड़ी हैगी वो पुनी साहब के दस्खतां दे थले इशू हुई हुई चिट्ठी उन्होंने दिती गई, फिर फौज आई। मैं इत्थे एक होर तुहानूं क्लैरीफाई कर दिंदा कि किसी पंजाब दे एक अमृतसर जिले च दी गई फौज 7-8-10 जिले च गई है। पटियाले दुख निवारण साहब, आनंदपुर साहब, भट्ठा साहब गुरुद्वारा, मुक्तसर गुरुद्वारा साहब, कई जिले च गई है। किसी भी पंजाब दे किसी जिले के डिप्टी कमिश्नर ने, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने फौज नूं बुलाउण दे या फौज नूं ऑथराइज करन दे ऑर्डर नहीं कीते। उहदा कारण भी तुहानूं मैं दस दिंदा। नॉर्मली जी पुरानी साड़ी CRPC चली आ रही है ना, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इख्तियार दिते गए ने कि वह फौज में सम्मन कर सकता है, एड टू सिविल अथॉरिटी। पंजाब च की होया कि 2 कानून बने, एक आर्म्ड फोर्सेस स्पैशल पावर्स एक्ट, एक डिस्टर्बड एरियाज एक्ट। ये 2 एक्टां के थले फौज में इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी ऑर्डर जे स्टेट रिक्विजिशन करती है ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਰਕੇ ਬਲੂ ਸਟਾਰ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਹਾਂਜੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਪਾਵਰਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਐਂਡ ਦੋਜ਼ ਪਾਵਰਸ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਟੂ ਦ ਐਕਸਟੈਂਟ ਆਫ ਕਿਲਿੰਗ ਐਨੀਵਨ ਇਫ ਦ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੋ ਰਿਕੁਆਇਰਡ, ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਫੌਜ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਐਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹ DGP ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਸੀਗੇ ਸ਼ਾਇਦ, ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਜਨਰਲ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਉਹ ਬਲਡੋਜ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਪੰਡੇਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ 3 ਜੂਨ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਸਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਹੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ, ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ 3 ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹ ਫੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਗੁਰਦੇਵ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ DO ਲੈਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਜੀ ਕਿ ਜੀ ਫੌਜ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮਿਲਣਾ ਆਇਆ, ਉਹ DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਿਲਣਾ। ਅਸੀਂ ਬੁਲਾ ਲਾ ਭਾਈ, ਤਾਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਚਿੱਠੀ ਫੜਾਈ, DO ਲੈਟਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਨਰਲ ਬੁਲਬੁਲ ਬਰਾੜ ਦਾ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬਰਾੜ ਨੇ। तो उन्हें लिखा भी मैं आ गया इत्थे इन एड टू सिविल अथॉरिटी, तो मैं अज 3 बजे 4 बजे शाम को मीटिंग करनी है, तुसीं आओ ताकि आप एक दूजे नाल वाकफ हो जाइए तो करना की हैगा। उस मीटिंग दे विच पंडेर साहब सीगे, उस मीटिंग MPS औलख जिहड़े बाद DG बने अपने पंजाब दे, वो सीगे। उस दे विच शर्मा हुंदे सी एडिशनल DIG, एक त्रिपाठी हुंदे सीगे उदों DIG CRPF सी पंजाब काडर दे, है जी। सारे उत्थे बंदे बैठे सी, एक पंडित हरजीत सिंह सीगे SP CID, वो बैठे आ। उत्थे वाकिया होया इस तरह मैं किताब च डिस्क्राइब भी कीता हैगा कि जनरल बराड़ ने क्या भी CRP ते BSF वाले दरबार साहब किनी फायरिंग करनगे ताकि उधरों जो रिटर्न फायर आएगा थानू पता लग जाएगा भी उन्होंने वैपनस की लोकेशन की है और किस तरह के उन्होंने कोल हथियार ने। पंडेर जिहड़ा सीगा उन्हें कहा भी भाई जे मैनू मेरे ते कोई फायर करेगा ट्रुप्स से तो फिर तो मैं जवाबी करूँगा, नहीं मैं अपने आप जी फायरिंग नहीं शुरू करूँगा। तो एक्चुअली मणिपुर काडर दे ने, नॉर्थ ईस्ट उन्होंने बड़ा मिलिटेंट्स नूं डील कीता और उन्होंने ये भी पता है कि भी इन्हां चीज़ों दी बाद च इनकुआयरियां होंदियां नेगियां, बाकी एज ए सिख भी एज ए गुरबख सिख जिहड़ा हैगा आल्सो ही फेल्ट कि भी ये मैं अनवांटेड फायरिंग क्यों करा है जी। तो उहदे ते फिर बराड़ साहब ने कहा भी इट्स ए रिवोल्ट, वो कहंदा यू गिव मी रिटन ऑर्डर। अच्छा उदों तक CRPF और BSF नूं फौज दे थल्ले कर दिता गया सी। चंडीगढ़ दे विच जनरल रणजीत सिंह दयाल उन्हां नूं एडवाइजर टू गवर्नर बना दिता गया सी, चीफ सैकटरी भी उन्हां दे थल्ले आ गया सी। मतलब सारी पुलिस, सारा फौज, सारी सिविल प्रशासन वो एक तरीके नाल फौज दी हायरार्की बन गई सी है जी। सो आफ्टर दरबार साहब ते हमले तो बहुत आहत जिमें लोग होए, हाँ जी, हाँ जी, जिमें लोगों ने बड़िया पदवियां छड़ियां, किन्ने लोगों ने किसी जिमें कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी लोक सभा तो किया, ਉਹ IFS ਅਫਸਰ अपने बाद ਦੇ ਵਿੱਚ MP भी रहे, हाँ जी, हाँ जी। ਇੱਥੇ भी काफ़ी लोगों ने मतलब इन्ना ज़्यादा लोगों के सेंटीमेंट का असर पिया सी, देखा गया सारे किते लोग उस लैवल पर चलते हैं। और अजे तक भी ये सवाल खुला ही है, अजे तक लोग बहुत कहते हैं भी ये तो बिना भी सर सकता सी, इदों पहला तुसीं उत्थे तक माहौल लैके क्यों गए ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ। कई किताबां तो ਹੁਣ इस लैवल का हिंट भी ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ प्लान काफ़ी पुरानी सी, कोई गल होण दी नहीं सी, भी तुरंत आके मिलटरी का एक्शन हो गया किसी ना किसी रूप च। और जिवें लोग कहते हैं भी पॉलीटिक्स होंदी है, पॉलीटिक्स दी अपनी टर्म्स होंदियां ने, किते वोट लैनी किते ना लैनी, वो एक अलग पहलू ने। राम वाले अफसर जिहड़े GPS सिद्धू होना दी किताब आई है, हाँ जी, हाँ जी, ईवन गवर्नर पांडे होना दा भी जिहड़ा पंजाब चैप्टर उहदे च हैगा, वो कई संकेत होर भी करते हैं इस लैवल दे कि तो बिना चल सकदा सी काम, सर सकदा सी। बिल्कुल सही है जी। हुण इहदे दो चीज़ा तुसी टच कीतियां ने, एक तो हैगा कि जो वापरिया उहदी सच्चाई नूं सरकारी तौर पर दसण दी जिम्मेवारी जिहड़ी है, उहदे ते मैं अपनी किताब च भी लिखिआ भी सरकार नूं ट्रुथ एंड रिकॉन्सिलिएशन कमिशन बनाउणा चाहीदा सीगा, हुण भी बना सकदे ने, कि वाकिया क्यों होया, किहने कीता, किहदी रिस्पोंसिबिलिटी सी, जिस तरह यह वाकिया एग्जीक्यूट होया उहदे च की होया है जी, ताकि सारे तत्थ जिहड़े ने ना वो सामने आ जाए। मेरी किताब दे विच जिहड़ी कि मैं आलमोस्ट 38 ईयरस तो बाद लिखी हैगी, क्योंकि पहले मैं नौकरी सीगा इस करके लिख नहीं सकता, मैं काफ़ी तत्थां नूं एक्सप्लेन करने की कोशिश की और उहदे विच मैं ये कहा हैगा कि ब्लू स्टार वाज नॉट नीडिड, इट वाज अवॉइडेबल, बड़ी क्लीयर शब्दां च कहा। दूजा जे करदा ही सीगा होया है जी, वो तो फैक्ट है, तो जिस तरीके नाल एग्जीक्यूट किया गया इट वॉज वेरी बैडली प्लैंड एंड वेरी इल एग्जीक्यूटेड जिहड़ा है। और ये भी सब हुण किन्ने थावां ते आ गया भी जिहड़ा एक माहौल बनाया गया ना भी उत्थे खालिस्तान का ऐलान होने वाला है, पाकिस्तान ना करन जा रहे हैं, तो जे ना हुंदा इन्नी जल्दी तो फिर कल नूं शायद अलग देश ही बन जाना है, पता नहीं की हो जाना है। वो सारी जिहड़ी थ्योरी सी उहदे पिछे रैलेवेंस की है, कोई तथ्य, कोई लॉजिक? देखो जी इस तरह कि प्रेजिडेंट ज्ञानी जैल सिंह उन्होंने उन्होंने डैथ तो बाद उन्होंने मैमोआर्स आए ने, ऑटोबायोग्राफी है, उहदे च उन्होंने डिस्कलोज किया है कि मैनू दसिया गया कि पाकिस्तान की हेल्प के नाल दरबार साहब तो खालिस्तान डिकलेयर हो जाएगा, इंटैलीजेंस इनपुट्स आईयां, कोई रशिया ने दित्ती, पता नहीं कितों कहा उन्होंने है जी, और मैं कोट किया उन्होंने किताब चवदी च, तो इस करके जिहड़ा हैगा ऑपरेशन कर दिता गया सी। फैक्ट ये है, और ये मैं डिटेल्स दित्तियां सारियां किताब दे विच, कि अटैम्प्ट जरूर की गई कि खालिस्तान डिकलेयर कराया जाए, किने वो अटैम्प्ट की मैं आई कांट से, मेरी नॉलेज नहीं है। संत लौंगोवाल ने अपनी कुलदीप नैयर नूं ट्रिब्यून च इंटरव्यू छापी जदों रिलीज़ होके आए ऑपरेशन ब्लू स्टार तो बाद, कि 2 या 3 जून नूं 2 सिंह बड़े खालसा सरूप दे विच यंग मुंडे आए जिन्हां नूं कहंदे असीं जाणदे नहीं सी, ना कदे किसी ने देखिया सी उत्थे, ते उन्हां ने आके पहला लौंगोवाल साहब नूं कहा भी तुसीं खालिस्तान डिकलेयर कर दो, फौज आ गई है, क्योंकि फौज दी मूवमेंट तो देखो डेमोक्रेसी च की लुकी रहिंदी है गल पता ही सीगा। इनफैक्ट शाहबेग ने कहता सीगा भी आ गई फौज है जी, इंटरव्यू दित्ती है उन्हें कई चैनल्स नूं 3 तरीक नूं, तो उन्होंने कहा भी फौज आ गई है, तुसीं खालिस्तान डिकलेयर कर दो। तो संत लौंगोवाल ने कहा भी मैं नहीं, तुसीं संत भिंडरांवाले कोले जाओ, वो जे कर देणगे तो मैं भी कर दूँ। वो मुंडे फिर भिंडरांवाले कोले गए, उन्होंने भी ना करती, वो कहते अकाली दल का प्रधान लौंगोवाल है, जे वो करूँगा तो मैं भी कर दूँ। मतलब ये जिहड़ी अटैम्प्ट हुई टू डिकलेयर खालिस्तान विच वुड हैव जस्टिफाइड ऑपरेशन ब्लू स्टार है जी, वो तो फेल हो गई बिल्कुल जिहड़ी हैगी है। तो उस तों बाद सवाल यह भी की करने की लड़ सी या करना सी किस तरीके करना सीगा है जी। तो वो कई हूँ तो फौज के जरनैल भी जोड़े ने गए कह लग गए ने वी के सिंह जोड़ा प्रेजेंट मोदी साहब की वजारत के वकील है वजीर है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सी उन्हें भी अपनी मैमोआर च लिखता भी ब्लू स्टार वॉज नॉट नीडिड एंड इट वॉज बैडली प्लैंड। उदों बाद सुंदर जी तो बाद जनरल हून आया है वैसटर्न कमांड का ही हैज़ गॉन टू द एक्सटेंट ऑफ सेइंग कि ब्लू स्टार वॉज एज बैड एज जलियांवाला बाग है जी। तो इनू जो एग्जीक्यूट जो हुकम सीगा ही वट वॉज देयर मोटिवेशन ऑबवियसली इट वॉज पोलिटिकल ऑलसो है जी। बट इहदे नाल टू गिव ए बैलेंसड व्यू ये कहना भी जरूरी है फंडामेंटल सिक्स को यह गल चंगी ना लगे जी मैं कह रहा हूँ वो ये भी दरबार साहब की जी फोर्टिफिकेशन हुई है जी जे वो ना होंगी तो फिर भी फौज आती की अपन भी तो सोचना चाहिए ना जी। देखो अर्नोल्ड टॉयनबी एक बड़ा बड़ा इतिहासकार होया दुनिया का उन्हें लिखा है कि कम्यूनिटीज सिविलाइजेशंस डाई नॉट बाई मर्डर बट बाई सुसाइड है जी। तो आप जी कॉन्फेंट्रेशन वाल बढ़े दरबार साहब की फोर्टिफिकेशन हुई इन्हें वैपन उत्थे गए उदी हूवर भी आई मीन डूइंग इट फॉर वट फॉर भी अच्छा इहदा दूजा हो रिस्पैक्ट देखो तुसीं जिहड़ा मैं सिख कॉज के पॉइंट ऑफ व्यू नाल कहना गा कि जनरल शहबेग जिहड़े सीगे वो एक गुरीला वारफेयर के एक्सपर्ट सी बांग्लादेश च उन्होंने मुक्ति बाहनी क्रिएट की गुरीला वारफेयर का पहला जिहड़ा एक टैक्टिस है पहला प्रिंसीपल है भी एक जगह कॉन्सनट्रेट ना करो वो तो निकल जाने कोई रस्ते चाहिए ने जो भी कर जाने चाहिए ने क्योंकि अदरवाइज तुसी एक झटके जी साफ हो जाओगे। और वही होया द टॉप लीडरशिप ऑफ एथनो नैशनल मूवमेंट जिदे सन जरनैल सिंह भिंडरांवाले भाई अमरीक सिंह जनरल शहबेग आप है जी एक झटके सारी खत्म कर हो गई जी। ये आई डोंट नो ये सियाणप सी कि फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल बिल्कुल। हाँ उस तो बाद एक प्रोसैस चलता फिर लगातार तो राजीव लौंगोवाल अकॉर्ड हो जाता हाँ जी। हालांकि अकॉर्ड उस माहौल च होया जो इन्ना सेंटीमेंट सीगा ते एक प्रधानमंत्री का कतल भी हो गया तो उस बाद दिल्ली दे विच भी एंटी सिख जिहड़ा कतलेआम जो सब नूं दिखदा कि उन्होंने राइट्स तो नहीं है वो कतलेआम है एक टाइप का उहे जे माहौल दे विच एक समझौता हो जाता है तो वो समझौते की इंप्लीमेंटेशन तो अजे तक भी लटक रही है उदों तक भी। हालांकि मेरा ख्याल वो हिस्टोरिकल समझौता से किसी पोलीटिकल पार्टी के प्रधान नाल प्राइम मिनिस्टर ने कदे कीता होवे तो सब तो ज़्यादा इट मीन की लगता कि वह लिंगर ऑन फिर भी करन दी नहीं तो इन्ना कुछ हो जाने तो बाद उन्होंने सॉल्व करने की कोशिश होंदी है भी जिन्नियां चीज़ां उहदे च हो गईयां होण तुसीं उदों भी काफ़ी हेलम ऑफ अफेयर सीगे सुरजीत सिंह बरनाला चीफ मिनिस्टर सीगे मान लो जे लोग कहते हैं लोगों की एक परसैप्शन है कि जे 26 जनवरी चीफ मिनिस्टर रिजाइन कर जाते उस टाइप का जो जहा स्टैंड उन्होंने गवर्नर वे लै लिया कि DMK की सरकार तोड़न लई तुसीं लिखो और रिजाइन करके आ गए सी तो शायद होर हालात होने सी। नहीं आई 100% एंडोर्स दिस व्यू। देखो जी अकॉर्ड हुई है ना तुसीं अर्जुन सिंह जिहड़े गवर्नर सी जिन्होंने कराई अकॉर्ड उन्हां दी भी ऑटोबायोग्राफी पढ़ो वो कहता भी अकॉर्ड करा के मैनू फीडबैक आने लग गई कि राजीव गांधी के इर्द गिर्द जिहड़ा सर्कल है वो अकॉर्ड नूं फेल कराना चाहता विद इन मैटर ऑफ मंथ्स है जी। तीजे महीने कहना मैं सोचा भी हूँ टाइम है इतों पंजाब चो निकल जाओ मैं अकॉर्ड की है तो क्रैडिट मिले डिसक्रैडिट ना मैं लवान वो जाके राजीव गांधी मिल के कहता जी मैनू हुण तुसीं इतों पुल आउट कर लो मतलब इंटेंशन ही शुरू तो जी सी वाज नॉट ऑनरेबल ये अदरवाइज अच्छा अकॉर्ड है कि जो रियली दस्या देखा जाए कोई फर्म डिसीजन तो है नहीं वो द लैंग्वेज यूज्ड इन अकॉर्ड इज एम्बिविलिएंट जिन्होंने आप कहने पंजाबी च मतलब वो दो 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 चित्ती जी सी जिवें मर्जी इंटरप्रेट कर लो स्पष्ट है उन्होंने जिदा फॉर एग्जाम्पल दादा मैं देना सेंट्रल गवर्नमेंट विल मेक एफर्ट्स टू एनफोर्स पंजाबी लैंग्वेज इन पंजाबी मतलब डेफिनेटिव तो कुछ भी नहीं है बिल्कुल बिल्कुल। तो वो हालांकि उदों कहा जाता कि वो जो पानी वाली क्लॉज ट्रिब्यूनल बनया वो साढ़े खिलाफ ही वो तो साढ़े खिलाफ भुगताया जा रहा है तो जो चंडीगढ़ या जो इधरला काम सी वो बिल्कुल नहीं दिता। हालांकि अकॉर्ड की भी उस समय की अकाली लीडरशिप सारी सहमत नहीं सी दिस वाज अनदर रीजन जी जो लौंगोवाल साहब अकॉर्ड करने तो बाद पहली बार दरबार साहब आए ने मैं तो विरक उत्थे बाहर सीगे दरबार साहब के इसे करके कि कोई ज्यादती ना दोनों तरफ तो स्लोगन लग रहे थे है जी। अकाली दल के वर्करस से दूजे काफ़ी हजूम जोड़ा सी इनफैक्ट लौंगोवाल उत्थे मारन गए सी लोग सोटियां वाले जोड़े ने है जी। तो वह फिर इंटरवीन करके जोड़ा है सो रिजेंटमेंट जी सी ना वो शुरू तो ही सी कि काफ़ी देर बड़े लीडर जसदा गुरचंद सिंह टौड़ा प्रकाश सिंह बादल ये भी इन्हों दी रिजर्वेशनां सी कि ये नहीं सी साडे मुकाबले अनुकूल नहीं है जां ये ठीक नहीं है तो ये उस तो बाद लगातार चलता रहा। तो फिर भी फिर प्रेजिडेंट रूल लग गया बरनाला गौरमेंट टुट गई फिर तो 5 साल ही रहा 92 तक है ना 92 तक चलते दौरान और वो सारे सैटअप के लोगों को नज़र आया कि बेअंत सिंह गौरमेंट ने तो शायद कोई ਇਹਦਾ कुछ करना नहीं। ये गल जरूर चलती रही कि जो तुम कह रहे हो कि ट्रुथ ते रिकनसीलिएशन का कोई सिस्टम बन जाए जिद क्लोजर हो जाए किसी ना किसी तरीके के नाल जाके तो हरा ना रहे मतलब बार बार उभरदा है बिल्कुल। तो उदों बाद 97 च अकाली सरकार आ गई और उहदे च वादा भी सीगा उस लैवल के उत्ते कीता ते जस्टिस कुलदीप सिंह दी अगवाई च एक बनिया सीगा वर्ल्ड सिख कौंसल जिन्हें एक पीपल कमीशन बनाने की ट्राई की इत्थे 34 सेक्टर च 2 दियां हीयरिंग भी होईयां तो उदों बाद कहा जाता है कि ईवन उस समय के पंजाब के एडवोकेट जनरल भी गए उन्होंने सरकार का पक्ष रखा कि नहीं ये ਇਹਦੇ ਨਾਲ खराब होएगा माहौल हुण आपां अगे वधीए मूव ऑन करिए जां कुछ भी करिए तो जे वो हो जाता जो पीपल कमीशन ना होंदा गौरमेंट ही अपने लैवल पर कोई इहो जिहा बना लैंदी कि स्टेट गौरमेंट नहीं सी बना सकती जां गौरमेंट ऑफ इंडिया ही बनाउंदी ओ नहीं कमीशन ऑफ इंक्वायरीज एक्ट के थले तो गौरमेंट बना सकती है कोई दिक्कत नहीं हैगी है बट ये व्यू बड़ा एक स्ट्रोंगली प्रोजैक्ट किया गया कि हुण जख्मां नूं दुबारा ना खाड़ो बिकॉज इट विल हर्ट सेंटीमेंट्स और ये भी होंगे भी जोड़े बंदे इनवॉल्व सीगे क्योंकि वो एट द हेलम ऑफ अफेयर सीगे कई फौज भी पुलिस वाले भी सिविल वाले भी उधरों भी हो जाता भी क्यों साडियां इनक्वायरियां करते हो। पर मैं तो आपदे किताब बड़ा फर्मली लिखा है जी और वैसे भी इंटरव्यू च किया है कि ट्रूथ एंड रिकॉन्सीलिएशन कमीशन इस करके नहीं कि तुसीं लोकां नूं फांसी लाउणा है सज़ा देनी है हाँ कोई वो करो ना करो सैपरेट इशू है बट सच्चाई जिहड़ी हैगी सरकारी तौर पर दसना वो जरूरी है। और इतों तक जिदा फॉर एग्जाम्पल दरबार साहब लाइब्रेरी जी सी सिख लाइब्रेरी रैफरेंस लाइब्रेरी वो डिस्ट्रॉय हो गई है जी। हम वो जे तुम फौज वाले के बयान देखो जनरल बराड़ ने 2 बार कॉन्ट्राडिक्टरी अपना भी किमें जली ये जनरल जमवाल जोड़ा अमृतसर डिवीजन का इंचार्ज सीगा उहदा होर कोई बयान है जी ब्रिगेडियर उस तो बाद बेचे जनरल दीवान बने सीगे उन्होंने मैंने कुछ होर कहानी दसती सारिया मैं छापिया नहीं अपनी किताब च लिखिया हुई नहीं है मतलब देयर आर 4 वर्जनस ऑफ वॉट हैपन टू द सिख लाइब्रेरी है जी। तो दूजा इशू लै लो तुम डैथ्स किनिया हुई दरबार साहब के अंदर हम वो आंकड़े भी अलग अलग मतलब अलग अलग देंगे वो मैं अपनी किताब सारे सारे कोट किए ने कि की है इनकलूडिंग के SGPC ने अनाउंस करता सी भी जिन्हों की कोई शहीद होया इतों आके सातों SGPC तो असीं उन्होंने देंगे सपोर्ट देंगे फाइनैशियल सपोर्ट किन्ने बंदे आए उन्हें फिगरस लईयां नेगियां क्रिमेशन ग्राउंड्स तो लईयां है जी। फिर जो फौज वाले ने दित्तियां फौज दे विच भी वख-वख ने जनरल हून कुछ होर फिगर दे रहा है जी बराड़ ने कुछ अपनी होर छापी है वाइट पेपर च कुछ होर है मतलब ये कॉन्ट्राडिक्शंस जिहड़ियां ने ना जी ये दीज लीड टू अनसर्टेनिटी और गुस्सा आउंदा इहदे नाल लोकां च इहदे च फिर एक बार बार बना दिता जाता गल आपां गैर रस्मी भी गल कर रहे सी ना भी जिवें एक एडा बड़ा टर्माइल होया बहुत लोगों के जज्बात ने जज्बात तो होरां दे भी बहुत ने ना जिन्हां दे उही बिल्कुल जी बंदे मरे ने निर्दोष मरे ने बाकी मरे ने पता ही नहीं लग्या इन्ना कुछ हो गया वो जो जस्टिस नहीं करेगी स्टेट बिल्कुल जी मतलब किसी भी तरीके का उन्होंने लगेगा नहीं कि एडमिनिस्ट्रेशन और सोशल जिहड़ा एक ईवन जस्टिस सिस्टम है चाहे वो अदालत ना ही होवे वो प्रशासनिक तरीके नाल रहे तो बाकी है तो वो भी तो बार बार दबिया ही रहूगा फिर बार बार उठूगा तो बार बार वो गल करूँगा। हमेशा ये कहना कि गुड गवर्नेंस ये कई कंपोनेंट ने 2 कंपोनेंट बड़े एसेंशियल ने एक है इफेक्टिव गवर्नमेंट दूजा जस्ट गवर्नमेंट KPS गिल इफेक्टिव सी जस्ट नहीं सी सो ये जिहड़ा हैगा जिन्हां दे इनोसेंट बंदियां ने मरे गए ने उन्हां नूं भी तुसीं जस्टिस देना ना बिल्कुल जे ये कहदी स्टेट ये कर सकती है मेरा ख्याल मेरे मैं जिन्ना को पढ़िया कि जिहड़े अफ्रीकन भी वो बनिया सी ट्रूथ एंड रिकनसिलिएशन उन्होंने क्लीयर कट फैसला करता सी भी इहदे च सजा की कोई गल नहीं, अपने आप आके तुसीं जो होया इहदे च बयान करो ताकि हिस्टरी ठीक रहे। बिल्कुल ठीक है, असीं भी तो ये गल कर सकते सी ना किसी ना किसी तरीके दे नाल। सही गल है, और हजे तक वो चलदा जा रहा है ते साडे क्लोजर जरूर होना चाहिए। देखो मैं दसा, मैं किताब च अपनी च यही लिखिया है कि क्लोजर जरूर होना चाहिए, पर क्लोजर किवें होगा जे तुसीं सारी सच्चाई जिहड़ी हैगी एक बार ओपन जिवें कहने आपां पंचायत इकट्ठी करके गल करिए उस तरीके कोई कमीशन कोई इंक्वायरी ओपन पब्लिक लिया के जिन्हें जो कहना आके उत्थे कहे, उत्थे आके कहे और रिकॉर्ड ते आ जाए, रिकॉर्ड ते आ जाए ताकि अगलियां पीढ़ियां उस तो घटो घट सीखण ना कि दोबारा दोबारा गलती नहीं करी। होर गल हैगी इतिहास चों लैसनस लर्न करके जिहड़ियां कम्यूनिटीज़ अगे वधदियां नेगियां वो प्रोग्रेस करदियां नेगियां, ते जे तुसीं इतिहास च ही बनानी पा लो ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਪਰਦਾ ਪਾ ਦਿਓ ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ, ਨਹੀਂ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਉਣਾ, ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਬਟ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸ ਜਾਓ। ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਬਣਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ, ਬਾਅਦ ਚ ਬਣਿਆ ਜੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਂ ਜੁਰਿਡਿਕਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਜੁਰਿਡਿਕਸ਼ਨ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ। चलो वो तो बाद भी फिर चलिया कदे असैंबली बहस भी होगी एक दूजे ते दूषणबाजी, साढ़े पंजाब की जिहड़ी पोलीटिकल धिरां सीगियां जिवें सारा लोग ये कह रहे ने जी ब्यूरोक्रेसी ने गाइड करना हुंदा पॉलीटिशियन नूं, तां जे वो ठीक गाइड करदे क्योंकि उहनूं परमानेंट गौरमेंट कहा जाता है तो पॉलीटिक्स पॉलीटिशियन भी बन जाते। दूजे पासे यह है कि नहीं पोलीटिकल मास्टर जिन्हें डिसाइड करना हुंदा इहदा, तां इहदे च कौन डिसाइड करदा सारा एजेंडा कितना करोड़ हुंदा। देखो इस तरह है कि थोरैटिकली जो तुसीं कह रहे हो बिल्कुल सही है कि साडा जिहड़ा मॉडल ऑफ ब्यूरोक्रेसी दा है वो वेस्टमिनिस्टर ब्रिटिश मॉडल है जिहदे च तुसीं कंपीटीटिव तरीके दे नाल कमीशन दे राहीं सिलेक्ट करके लोकां नूं लाउने हो मैरिट्स ते, और उन्हां दा एक्सपैक्ट कीता जांदा कंडक्ट रूल भी ये कहंदे ने भी तुसीं ऑब्जेक्टिव इंपार्शल होके एडवाइस करना हैगा, फाइनल डिसीजन पोलीटिकल मास लीडर्स दा हैगा। लेकिन हुंदा की हैगा जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं कोई 35 साल तो मैं 38 साल नौकरी की हैगी गौरमेंट की, इस तो अलावा कमीशन कमीशन का चलो दूजे बाहर आ जाने हो तुसी, पहला यूनिवर्सिटी भी पढ़ाया है, तो मेरा जो है वो है कि 95% केसिस दे विच डिसीजन जिहड़े ने वो पोलीटिकल लै लैंदे ने। हां जी अध्यक्षता जिहड़े ने कि अजकल वो मैनीफेस्टो च आ जाते हैं, वो कहते हैं जी असीं तां किराया माफ करना जी, हुण उस की ब्यूरोक्रेट तुहानूं इनपुट दे दूगा, तुसीं तां ऑलरेडी लोकां तों वोट लवा के लाया हो कि असीं इंप्लीमेंट करना ही करना है जी। तो ये ब्लू स्टार वर्गे तो बिल्कुल ही 100% पोलीटिकल डिसीजन है। यूनियन कैबिनेट ने लिया इंदिरा गांधी उन्होंने प्रधानगी थले, और उहदे डिसेंट भी आया मुखर्जी का, प्रणाब मुखर्जी का, है जी। सो ये डिसीजन प्योरली पोलीटिकल ने, एंड दिस इज़ द रीजन वाई जे मैं नहीं कहता भी सिविल सर्वेंट बहुत कुछ सियाने ने, लेकिन जे तुसी किसी भी प्रोग्राम की पॉलिसी की डिसीजन की डिस्कशन करके लो तो वो कम से कम रेमिफिकेशनस की होणगियां जिहड़ियां नेगियां, है जी। वो तो लोग सरकार के नोटिस आ जाएंगे ना भी इहदा नतीजा ये निकलूगा, है जी। ये तुहानूं कदों तो लगता है भी ये घटदा जा रहा है लगातार, मतलब जिहड़ा डिस्कशन जिहड़ा बाकी दियां ने एक ट्रेंड ना बदले है पिछले समय ना, सारे कहते हैं कि एक हुक्म। देखो जी मैं तो तुहानूं दसदा बई ये ट्रेंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम स्ट्रोंग ही हुंदा गया। देर आर हिस्टोरीकल रिकॉर्ड्स ने कि जवाहरलाल नेहरू नूं भी लोगों ने कई सिविल सर्वेंट ने कह दिता है जी भी ये गल थोड़ी जी कामयाब नहीं होनी है। ईवन इंदिरा गांधी नूं जनरल मानिक शाह दी एग्जाम्पल आउंदी है, हाँ जी हाँ जी, प्राइम मिनिस्टर नूं जिहड़ा कह दिता। और इस मैं अपनी किताब बड़ा डिटेल्ड दिता भी किवें वैद्या जिहड़ा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सी उहनूं बाईपास करके सीधा सुंदर जी नाल मिसिस गांधी ते उहदे आले दुआले दे अफसर डील कर रहे सीगे, है जी। सो मतलब सिस्टम नूं डिस्टॉर्शन आ गई है तो वो कॉन्सीकुएंसिस की होंगे ने। खैर जिवें ब्लू स्टार का पोलीटिकल रेमिफिकेशन है, हुण किसी ने दस्या सी इंदिरा गांधी नूं फौज वाले ने भी सानूं टैंक ले जाने पैणगे अंदर, जे नहीं दस्या तो लास्ट मिनट से आके तुसीं कहने हो भी हुण असीं ते टैंक यूज़ करांगे। ये भी उन्होंने सुनिया भी सी, उठा के सुनिया भी सी कि नहीं, बोथ वेज है जी जिहड़ा हैगा। सो ये डिसीजन किसी भी जे तुसीं कोई डिसीजन लैंदे ना जी उहदी रेमिफिकेशनस नूं यू हैव टू एंटीसिपेट, ਉਹਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿ ਡਿਸੀਜਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ फिर वो कह देंगे मैंने एग्जीक्यूट करो, चाहे सिविल होवे, चाहे आर्मी होवे, चाहे पुलिस होवे। हुण तुसीं दसो अटवाल का मर्डर होया दरबार साहब के बाहर, डीसी एसएसपी ने दरअसल दरबारा सिंह नूं फोन करता कि दसो की करिए जी, है जी। दरबारा सिंह ने मिसिज गांधी दे उत्ते फोन करता, मिसिज गांधी राजस्थान गई हुई सी, 2 घंटे डैड बॉडी डीआईजी दी उस रेंज के डीआईजी दी बाहर पई है जी। पुलिस का की फर्ज बनता जी, या सिविल सर्विस का की फर्ज बनता? जे क्राइम होया तुसीं केस रजिस्टर करके उत्ते एक्ट करो, की लोड़ सी? दरबारा सिंह नूं इनफॉर्मेशन के तौर पर दसो। The tragedy of our entire administrative system is कि powers have जी लीगल powers ने, तो क्राइम होया ना जी, तो स्टैचूटरी powers नहीं है पुलिस दियाँ, वो स्टैचूटरी powers के उत्ते भी एक्ट करन दी जी हैगी वो पॉलिटिशियन ने खोली। ये ट्रेंड कदों तो होया, मतलब एक जमाने जिवें चीफ सैकटरी हैड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन है, उधर डीजीपी अपने, तो हुण तो इहो जिहियां गल्लां सुणदे आ काफ़ी समय तो, कोई SHO किसी IG नूं कहंदा भी सर मैं तुहाडी बदली रखवा के लिआउणा, ਤੁਸੀਂ इसे ज्वाइन ना करो, बदली होगी तो भी कोई गल नहीं। ਜਿਹੜਾ हेठों पॉलिटिक्स के पोस्टिंग मुंशी तक दियाँ, निचले लैवल तक दियाँ, तो फिर लोगों को किवें लगेगा कि मैं सीनियर अफसर कोल जाना? नहीं, बिल्कुल ठीक है जी, मैं वही अर्ज कर रहा कि सिस्टम डिस्टॉर्ट हो गया है। वो NS रतन साडे ने मेरे तो सीनियर सीगे, तुसीं नाम सुनिया उन्हां दा, वो DC संगरूर सीगे, वो मैनूं एक दिन कहानी सुणाउंदे सीगे, किसी गल ते हो गया होना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विद मिसिज बरनाला, है जी। तो कहते मेरा पटवारी आया कि सर थोड़ी बदली हो रही है, अच्छा उन्हें आके मैं दसिया फिर दसो नीचे लेवल ते ये गल्लां जिहड़ियां ने ना जी सिस्टम नूं डिस्टॉर्ट कर दिंदियां, बिकॉज असी हायरार्की नूं नहीं फॉलो करते, असी कानून च दो इख्तियार दिते गए ने उहदे ते एक्ट करन दी बजाय उपरों आर्डर लेने शुरू कर दिंदे आ। सो दिस इज द कॉन्सिक्वेंस, क्योंकि उहदे नाल ही फिर बंदा हेठां जस्टिस बंद ही बंद हो जांदा ते लोक उत्थे जांदे। इस तो बाद तुसी काफ़ी बड़े आगुआ रहे, तुसी बेअंत सिंह उन्होंने जो भी चीफ मिनिस्टर के तौर पर देखा, प्रकाश सिंह बादल उन्होंने तो काफ़ी लंबा, हाँ जी, हाँ जी, बरनाला साहब का टैन्योर भी उन्होंने भी देखा, मिसिज पट्ठल भी रहे ने, कैप्टन अपने अमरिंदर भी रहे। तुहानूं की लगता है सारा जो ओवरऑल आपां देखिए कि जिहड़े अलग अलग गुण होंदे ने, हर बंदे दे अपने गुण ने, अपना एक तरीकाकार है कि किन्नी क फ्रीडम किहदे रूल राज च रहिंदी है अपने दिमाग नाल काम करन दी। कंपैरेटिवली सिविल सर्वेंट्स की परसैप्शन है कि कैप्टन अमरिंदर थोड़ा जा ज़्यादा फ्री हैंड दिंदे सीगे, अपना डिसीजन देके मैनेजमेंट उहदी छड़ दिंदे सीगे, तुसीं करना हैगा, है जी। अच्छा, साहब बेअंत सिंह दा पीरियड तो जिहड़ा सीगा ओह सारा ही मिलिटेंसी ने खा लिया, उहदे तो कोई होर होया ही नहींगा, है जी। मिसिज पट्ठल का टेन्योर बहुत थोड़ा सीगा, हरचरण सिंह बराड़ का बड़ा थोड़ा सीगा पीरियड, है जी। सरदार दरबारा सिंह काफ़ी सुनते थे अफसरों के। मैं थोड़ा एक इंस्टेंस दे देना, आई डोंट नो टाइम थोड़े को कितना है। अपने रंधावा साहब होंगे सीगे मिनिस्टर, तो वो GPS साही होंगे सैकटरी, मैं डायरैक्टर रूरल डेवलपमेंट पंचायत सी, ये 1983 की गल है शायद। पंचायतों की इलैक्शन होनी सी, चाकड़ साहब का बड़ा पिंड है, नहीं बड़ा नहीं छोटा है, उन्होंने कहते सी भी डिवाइड कर दो, 2 पंचायत बना दो। साई साहब ने स्टैंड ले लिया कि जी ये हदबस्त नंबर इन्हों का अड नहीं है, 2 पंचायत बन नहीं सकती अंडर एक्ट। वो अल्टीमेटली दरबारा सिंह ने मीटिंग बुला ली अपने लेवल पर, है जी। मैं चला गया नाल, साही साहब चले गए, तजिंदर खन्ना प्रिंसीपल सैकटरी होंदा सीगा, कहना दसो भी की गल है, क्यों नहीं बनाते तुसी, है जी। तो वो मैनू उन्होंने कहा डायरैक्टर साहब दसो, क्योंकि टैक्नीकली मैं करना सी ऑर्डर। मैं कहा सर प्रॉब्लम यह है कि अंडर लॉ जे हदबस्त नंबर रेवन्यू रिकॉर्ड सैपरेट होवे तां ही तुसीं उहनूं डिवाइड कर सकते हो। इन्हां दी पंचायत दा हदबस्त नंबर 1 हैगा, पहला रेवन्यू रिकॉर्ड च करैक्ट होवे जिहड़ा इस स्टेज ते हो नहीं सकदा, है जी, फिर हो सकदा। वो जी दरबारा सिंह तां पै गया रंधावा साहब नूं, कहंदा तुहानूं इन्नी गल नहीं समझ आई जिहड़ी है, जाओ, मतलब इत्थे तक वो कई बार चले जांदे सीगे जिहड़ा हैगा। सो हर एक पर्सनैलिटी जिहड़ी है CM दी वो अपनी है, पर डिवेलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के मैं कहूँगा बादल साहब का कोई कंपीटिशन नहीं कर सकता इन्हों चो। जिनी ग्रोथ इकनॉमिक ग्रोथ जी है पंजाब की हुई है, ऑफकोर्स लेटर आके वो डेट ड्रिवन ग्रोथ हो गई है जी, लेकिन कैपिटल इन्वैसटमेंट के लिए डेट लेना भी माड़ा नहीं है। डेट माड़ा जे तुसी उन्होंने डेट फ्री बीज लिए यूज़ करो। पंजाब दा नॉर्मल एक गल बार बार आ रही है कि जिहड़ा मिलीटेंसी दौरान 8500 करोड़ करदा सी सानूं उन्हें मराता, कि केवल वही है जो साडी मिसमैनेजमेंट भी तो लगातार कर रही है। देखो उहदे तां गुजराल साहब ने ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਫ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਡੈਟ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਸਬਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਕਈ ਰੀਜ਼ਨਸ ਨੇਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ कि इंडस्ट्री तो ट्रेड पंजाब चो फ्रैश इन्वैसटमेंट आनी बंद हो गई। ये सारे नूं वड्डा धक्का जिहड़ा मिलीटेंसी दा सीगा ओह ये होया सानूं। दूजा उदों फिर लोगों ने इंडस्ट्री ट्रेड ने कहना शुरू करता कि जी असी 15 साल मुसीबत चों निकले, नवें टैक्स ना लाओ। तुसीं देखोगे बेंत सिंह दे टाइम दे उत्ते कोई टैक्स नहीं इंक्रीज, इनफैक्ट टैक्स रिड्यूस होए, सो स्टेट इनकम वेंट डाउन। है जी, सो उस गैप नूं पूरा करने लिए रिसोर्सिस ते एक्सपेंडिचर नूं डेट लेना शुरू हो गया। अच्छा, इस सारे ने किया, एक सरकार ने नहीं किया, वधदा ही गया जद तक तुसीं करोगे। डेट लेना माड़ा नहीं है कोई गल, बट जे उस पैसे नूं तुसीं कैपिटल इन्वैसटमेंट च जिहड़ा हैगा करो ताकि वो तो तुहानूं दुबारा इकोनॉमी ग्रोथ होवे, इनकम आवे। हुण इस टाइम पंजाब दी जिहड़ी डेट GDP रेशो है वो 55.3% पर पहुँच गई है। और मैनू कोई दस रहा है इकोनॉमिस्ट कि श्रीलंका वाला हाल ना हो जाए, उत्थे 70% से, क्योंकि थोड़ा जो होर डेट रेज करी जाते हो वो सारा का सारा थोड़े प्रिंसीपल अमाउंट और इंट्रस्ट नूं और जो थोड़ी फिक्सड कॉस्ट हैगी एक्सपेंडिचर हैगा उहदे जा रहा है। ग्रोथ इज जीरो डिवेलपमेंट। बादल साहब के टाइम के उत्ते उन्होंने भी पैसे रेज किए, इनफैक्ट टू द एक्सटेंट कि रूरल डिवेलपमेंट फंड एंड होरां नूं आउण वाली इनकम नूं भी प्लेज करके लिया, लेकिन सबसटैंशियल पैसा जिहड़ा सीगा ना जी वो ग्रोथ दे विच लग गया, डिवेलपमेंट लग गया हैगा, प्रोजैक्ट्स लग गया हैगा। इसे करके PPP मोड आया कि तुसीं क्योंकि डेट भी ना रेज करो, सरकार कोले पैसा है नहीं, इनू पब्लिक पार्टिसिपेशन दे विच जी पब्लिक पीपल पार्टिसिपेशन दे विच प्रोजैक्ट लाओ। सड़कां तुसीं देखो जिन्नियां बणियां टोल प्लाजे लगे ने हुण हट रहे नेगे, तो वो कितनी स्मूथ रोड्स बनिया, पावर प्लांट लगे जिहड़े नेगे, रिफाइनरी आई, मतलब कई प्रोजैक्ट जिहड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनस आए। सो वो PPP बोर्ड दे विच आए। लोकां 'च एक जनरल सेंटीमेंट है पंजाब दे विच भी पंजाब 'च पोलीटिकल खला है, हालांकि पार्टियां तो सारियां ही उन्नियां हैगियां ने, जिद्दां कोई दो रावा नहीं है। उदों 2011-12 तो लैके पहला मनप्रीत ने अपनी पार्टी बना ली, काफ़ी इकट्ठ भी होया, चलो नहीं गल बनी, फिर उस बाद आ गई आम आदमी पार्टी आ गई। ये आम आदमी पार्टी तो हुण आ गई, कहते कोई आइडियोलॉजी की लोड़ नहीं हुंदी ते प्रैगमैटिक पॉलिटिक्स करांगे, जिहो जी ये गल कर रहे हैं। इदों पहला तो एक थोड़ा जिहा बखरेवा हुंदा, जिवें श्रोमणी अकाली दल आ उह कहंदा असीं पंजाब दी पार्टी आ और खास तौर ते किसानी नाल, रूरल नाल जां इधर जुड़े आ। हुण हौली हौली किसी दा कोई आइडियोलॉजी ऐ नज़र ही नहीं आ रही, वी केवल सत्ता च आउणा, जिथों मर्जी आ जाओ। पार्टियां वर्कर की कोई कदर घट गई, ओवरऑल ही घट गई, मतलब हुण अगला कहता कितों भी आया बंदा जिहदे कोल पैसे ने आपां इलैक्शन लड़ा दो। इहो जे माहौल दे विच पंजाब बड़ा सीरीयस क्राइसिस च है। पानी साडा मुकण जा रहा है, बच्चे +2 तो बाद सारे बाहर नूं दौड़ रहे हैं, जिहड़ा भी मिडल क्लास लखां दी तादाद दे विच है। ड्रग साडे इस लैवल दा इहो जे क्योस दे विच मतलब कोई उम्मीद नज़र आउंदी। कदे अमृतपाल बरतारा आ जांदा है, फिर खलात तां पैदा ही हुंदा, कोई भी बंदा तुरिया फिरदा कि तुसीं देखदे हो विजन हुण इन्ना चिर तो तुसीं लगातार इहनूं वाच कर रहे हो। आइडियोलॉजी तो जी इंटरनेशनली इररेलेवेंट हो गई है फ्रैंकली। आइडियोलॉजी सीगी जद कॉम्यूनिज्म सीगा, सोशलिज्म सीगा और कैपिटलिज्म सी, उन्हां दा कन्फ्लिक्ट सीगा। हुण तुसीं देखो कि किसी भी पार्टी की आइडियोलॉजी लैके देख लो, वो मोरलेस 19-21 का ही फर्क है जिहड़ा है। सो सवाल यह है भी किहड़ी सरकार या जिहड़ी पार्टी तुहानूं गुड गवर्नेंस दिंदी है, उस गुड गवर्नेंस की आस ची जिहड़ियां हैगियां साडीआं ट्रेडिशनल पार्टीज लास्ट इलैक्शन च एलिमीनेट होईआं। सो जे प्रेजेंट गवर्नमेंट गुड गवर्नेंस दे सकेगी तो अगे नूं भी आएगी, जे गुड गवर्नेंस नहीं देगी तो यह जिहड़ा खलार जाएगा ये दुबारा फिर आ जाना, मतलब डिसकंटेंटमेंट हो जानी हैगी। है जी, देखो पंजाब च कितनी डिसकंटेंटमेंट चल रही है, जगह जगह ते लोग सड़क रोकी बैठे ने। किसान अंदोलन भी उदों बाद किसान अंदोलन की मैं दसदा जद सीगा दिल्ली असी एक कीर्ति किसान फोरम बना के कुछ IAS अफसर फौजिया ने उन्हों का साथ दिता पूरा। मैं तो उन्होंने जी पार्लीमेंट बनाई उन्होंने पैरल जंतर मंतर, तो उत्थे जाके भी एड्रैस किया फार्मरस नूं, आर्टिकल लिखे HT 2 आर्टिकल लिखे, अजीत लिखे, है जी, अपोजिंग दीज लॉज। फार्मलाज जिहड़े सीगे दिल्ली दे। पर नाल मैं फार्मर्स नूं इह भी कहंदा सीगा कि भी जिहड़ी तुसीं रेलवे लाइन रोक रहे होगे, जिहड़ी तुसीं लुधियाणे ਉਹ ਫ੍ਰੇਟ ਕੰਟੇਨਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਤੋਂ ਡਿਸਪੈਚ ਕਰਤੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਰਕਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਯੂ ਆਰ ਡਿਸਟਰੋਇੰਗ ਇਕਨੋਮੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲਿਆਓ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫਲਾਨਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਆਊਗਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਮੀਨਸ ਐਡਰੈਸਿੰਗ ਆਲ ਦੀਜ਼, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਪਿੰਪਲਸ ਔਨ ਆਰ body polity and bringing in a qualitative administrative change for good governance। पर एक लगातार कहा जाता सारिया स्टेट्स कह रही ने तो खैर कि सेंट्रलाइजेशन है जी फंड की है, रेवन्यू की है, या बाकी के मामले ने चाहे वो पोलिटिकल है, तो उन्हें स्टेटा बिल्कुल ही हो जिवें खास तौर पर जी एस टी तो बाद इन्हां दा स्टेट गौरमेंट का टैक्स लाउण का भी तो कित्थे रिबेट देनी है वह भी हक। ये ट्रेंड जोड़ा है इन्हें भी तो काफ़ी स्टेट्स नूं कीता मेरा ख्याल है अपनी जी अपने ढंग नाल डील कर। जिवें पंजाब दा सीगा, पंजाब दे विच काफ़ी लंबा समा जोड़ा चाहे वो इंसैक्टीसाइड, पेस्टीसाइड, फर्टीलाइजर उत्थे घटा दिंदे सी टैक्स या जीरो भी हुंदा है, दो चार दूजे ते किसे ते वधा दिओ। इहदे नाल भी तो काफ़ी फर्क पैण दी पिया लगातार। जां फैडरल च हुंदा जेहड़ा इशू है हुण ओह डैड इशू है जां ओह बनण दी लोड़ है। हमीर सिंह जी एज ए रियलिस्ट ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਨੇਗੇ, ਇੱਕ ਫਰੇਮਵਰਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਓਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਾਂਗੇ? ਉਹ ਸਿਰ ਮਾਰਕੀਟ ਟੱਕਰਾਂ ਲਈ ਚੱਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਚੱਲੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਲਾਜ਼ ਇਨ ਥਰੂਆਊਟ ਦਾ ਕੰਟਰੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਗਿਵਨ ਲਓ ਨਾ। ਜੇ ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੈਕਟਰ 13 ਤੁਹਾਡੇ ਐਮ ਪੀ ਨੇਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਸਟੀਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। पंजाब का एक बड़ा वड्डा दुखांत यह भी रहा है कि असी हमेशा कन्फ्लिक्ट सिचुएशन आ जाते हैं। साढ़े नाल जी ज्यादती हो गई जी, असी मारते जी फलाना। मैं कई बार एक दोस्तों ने पूछा, मैं यार वो साडा एक खालसा वर्ल्ड बैंक का चेयरमैन लग गया बग्गा, आपां उत्थे जाके मोर्चा लाया सीगा भी सिक्खां नाल डिस्क्रिमिनेशन होई है, अज तक वर्ल्ड बैंक कदों दा बनिया है, सिख नहीं लग्या इहदा चेयरमैन। वाई हैज़ ही बीन मेड? बिकॉज ही हैज़ एक्सेल्ड, he has distinguished himself in the field of commerce and economics. तो conflict अपने issues raise करो जरूर, I am not in any way suggesting कि तुसी आप issues ना raise करो, fight for them, plead for them, but अपनी जिहड़ी हैगी है quality of human resource नूं improve करो, excel करो। जे वो करोगे अगे जाओगे, अदरवाइज पंजाब एज ए स्टेट एंड कम्यूनिटी जिहड़ी है साडी वो पिछे रह जाएगी। हाँ, लास्ट क्वेश्चन ने जिहड़ा लेटेस्ट फिनोमेना साडे चलिया, अमृतपाल बरतारा भी चलिया, पहला भी आपां देखिया टर्मान जिहड़ा ओह जे इशू पहला तो खैर एक मोर्चे चो आया, कोई गल शायद उहदे नाल कंपैरिजन करना भी कोई बाहला है नहीं, लोग करते हैं संत भिंडरांवाले नाल अमृतपाल दा जां बाकी दा। तो पर पंजाब दे विच इक साकी च पूरी तरह जची हुई गल है कि सानू स्टेबल पता नहीं कौन नहीं होण देना चाहुंदा है ना, वख-वख है। और जिस ढंग नाल ओह मैनेज होया, फिर गिरफ्तारी मैनेज हो गई, फिर बाकी चीज़ां मैनेज हो गई, ये तो डाउट पंजाबियों के वधदे जा रहे हैं लगातार ना ये बरतारे तो। मैं तो जी एडमिनिस्ट्रेशन है नहीं, सो की फैक्ट्स ने मेरे नॉलेज नहीं है, बट एट ए थोरैटिकल प्लेन मैं तुहानूं कह सकदा भी चार तरह के ब्रॉडली स्पीकिंग खालिस्तानी प्रोपेगेटर ने। पहला तो है आइडियोलॉजिकल, उन्हों का नंबर तो बिल्कुल ही माइक्रोस्कोपिक है। जगजीत सिंह चौहान सी फॉर एग्जाम्पल, अपने डॉक्टर साहब से जो पंथक कमेटी के चेयरमैन से सोहन सिंह जी से, ये सारे उस मूवमेंट तो बाद हिंदुस्तान आए और आके इन्होंने डिनाउंस किया पाकिस्तान को कि साडा बेवकूफ बनाया। उन्होंने हुण भी हो सकता नवे आइडियोलॉग उठ खड़े, एक कैटेगरी तो ये आ जाता। दूजा आ जाता है ये ओवरलैपिंग है कि जिन्हों के फॉरन फोर्सिस प्रॉपअप कर दिया है, कई कई कंट्रीज़ ने, इकला पाकिस्तान तो मेन हैगा। तीजा कंपोनेंट ये आ जाता है जोड़े कि इमीग्रेशन लेना चाहते हैं, Now, you may be aware of this fact, हैं जी वो ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਲੀਡ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਐਕਸੈਸਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪਲੀਡ ਫਾਰ ਅ ਸੈਪਰੇਟ ਸਟੇਟ ਉਹ ਅਸਾਈਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਫੁੱਟਹੋਲਡ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ਾਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋਆਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੋਲਡਰ ਨੇ वो क्यों डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं बिकॉज दे वॉन्ट टू बी फोटोग्राफ्ड जिहड़ा हैगा वो इस करके कि कल उन्होंने ईवन टू द एक्सटेंट आई वॉज टोल्ड आई डोंट नो आई हैव नॉट वेरीफाइड इट कि गुरवंत पन्नू जिहड़े ने गए सिक्स फॉर जस्टिस वो आप इमीग्रेशन लॉयर है आई डोंट नो हाउ फॉर इट इज़ ट्रू किसी ने मैंने दस्या जी कि अद्धे तो ईवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं टू क्रिएट एविडेंस ऑफ खालिस्तानी जिहड़ा हैगा चौथे अपने इत्थे ने जिहड़े कि ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਟੂ ਡਿਵਾਈਡ ਦ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਟੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਨਫਲਿਕਟ ਐਂਡ ਗੇਨ ਫਰਮ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੁਰਾਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਕਈ ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਤੋੜ ਫੋੜ ਗੈਂਗ ਐਂਡ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਗੈਂਗ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ नैशनल टीवी पर जाके चार चार दिन जोड़ा है वह कंपेन चलवाने हो है जी वो देश का तो पंजाब का कितना नुकसान होता है वो चलो उन्होंने तो चेंज नहीं होना जोड़े करते हैं आपू एज पंजाबीज एज सिक्स जरूर समझ लेना चाहिए एंड वी शुड नॉट रिएक्ट इन ए मैनर दैट वी ओनली स्ट्रेंथन देयर कॉज बहुत बहुत मेहरबानी जी सत श्री अकाल देखते रहो पंजाब टैलीविजन अगे फिर किसी होर परसनैलिटी गलबात करांगे बहुत बहुत शुक्रिया